हेलो दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नए आईपीओ के रिज़ल्ट के बारे में, जिसका नाम है नज़ारा टेक। और लिस्टिंग के बाद ये इनका पहला क्वार्टरली रिज़ल्ट है, तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप कोई भी फ्यूचर अपडेट्स मिस ना करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और अगर हम ये फिगर्स जो भी है वो मिलियंस में दिए हुए हैं, तो अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो 130 करोड़ से घटकर रेवेन्यू 123 करोड़ हो गया है, जो कि 5% का डिक्लाइन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 87 करोड़ से बढ़कर 123 करोड़ हो गया है इनका ईयर ऑन ईयर, जो कि 41.7% का इंक्रीज़ है। तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू तो अच्छे आते हुए दिख रहे हैं, बट अगर हम प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 17.8 करोड़ से घटकर सिर्फ 4.2 करोड़ रह गए हैं, जो कि बहुत बहुत बड़ा ड्रॉप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर 76% का। और ईयर ऑन ईयर बात करें तो 7 करोड़ के लॉस से बढ़कर ये लोग 4 करोड़ के प्रॉफिट में आए हैं। तो ईयर ऑन ईयर तो थोड़ा सा बेटर है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ज़्यादा डिप मारा हुआ है। और अगर हम पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे तो अगर आप देखेंगे फिगर, तो 26.7 करोड़ के लॉस में, जो बहुत टाइम से लॉस में थी कंपनी, वो एटलीस्ट इस साल प्रॉफिट में आ गई है 13.6 करोड़ के। और जो हमने क्वार्टर की बात की, तो आप जो देख सकते हैं टैक्स एक्सपेंस, तो इनको टैक्स एक्सपेंस में भी थोड़ा सा बेनिफिट मिला था, उसके बावजूद इनका थोड़ा जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो कम हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनको थोड़ा बेनिफिट मिला है, टैक्स डेफर हुआ है इनका, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.6 करोड़ का। तो उसके बावजूद भी आपको सॉलिड डिप दिखा। तो अगर हम देखें तो मार्केट क्लोज होने के पहले इसने ये नीचे मारा था, प्राइस करेक्ट हुआ था थोड़ा सा, और हो सकता है कि थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग इस कंपनी में हो, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट ख़राब है, बट फाइनली कंपनी प्रॉफिट बनाने लग गई है, तो ये एक अच्छी बात है। तो देखते हैं कल कितना कैसा रिएक्शन आता है मार्केट का इस पर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले रिजल्ट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।